व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्कूल से आते ही सबसे पहले मैंने देखा टेबल पे मेरा पार्सल पड़ा हुआ है, और मैंने मम्मा को बोला था कि अगर मेरे पीछे से मेरा पार्सल आए तो पर्स में से कैश दे देना, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। और मैंने जो मंगाया वो मैंने अभी तक किसी भी को नहीं बताया फैमिली में। नहीं, वैसे मैं मम्मा से इजाज़त ले लेती हूँ, मैं पहले परमिशन ले लेती हूँ कि मम्मा मैंने कुछ मंगाया है तो उनको पता चल ही जाता है, लेकिन हाँ बताती नहीं हूँ कि क्या मंगाया है। पैसे वेस्ट नहीं करें, काम का ही मंगाया, जो भी मंगाया। तो इसको जो है वो यहाँ से काटना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे से नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा ही क्यों लग रहा है कि दिस प्रोडक्ट वॉज सो गुड, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, शक्ल से ही लग रहा है। साइज़ मैंने पता नहीं कौन सी मंगाई है, तो ये निकल चुका है। एस मंगाई थी मैंने, हाँ मेरे को याद आ गया। तो मैंने इसे ओपन कर दिया है और ओपन करके इसे निकाल रहे हैं। और ये है प्यारी सी व्हाइट टी शर्ट। वाह, कैन यू इमेजिन। मैंने इसे ना वैसे ऑफ शोल्डर मंगाया था, मुझे ब्लैक ऑफ शोल्डर पसंद आई, लेकिन मैंने सोचा कि वाइट ज़्यादा बेटर रहेगी, वो मैच आउट भी होता है। तो चलो मैं इसको ट्राई करके आती हूँ। सो गाइज, जैसे कि मैंने ये मंगाई थी ऑफ शोल्डर, तो ये ऑफ शोल्डर तो नहीं लग रही, बस थोड़ी सी ऊंची है। ऑफ शोल्डर होता है कि जिसमें, तो ये मैंने ऑफ शोल्डर नहीं, ये ओवर साइज मंगाई है। तो ये जो कोनी है ना, ये यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा 2 इंच जो है वो छोटी है। नेक इसका फिटिंग का है, यहाँ से ये पूरी फिट है नीचे तक, और ये मेरे ब्लैक पजामे के साथ भी मैच कर रही है। और इसकी डिज़ाइन भी क्यूट है, जिसमें लड़की जो है वो कॉफ़ी पी रही है, और ये पूरी डिज़ाइन है। इसका कॉटन का जो कपड़ा है वो मुझे पीछे नहीं दे रखी थी। ओके, तो ये जो है इसका कॉटन थोड़ा ठीक ठाक है। ओके ओके, तो मैं इसको 10 out of 8 दूंगी, क्योंकि 2 marks तो इसके कटेंगे ना, इसलिए। खैर ये टी शर्ट बहुत अच्छी हुई, मैंने राखी के लिए मंगवाई थी, तो राखी का वेट करते हैं और फिर इसको वेयर करेंगे। मैं अभी लंच करते हुए आई बालकनी में, और ये देखो पूरा ब्लैक हो रहा है, और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 बज गए। रियलिटी आने वाली है बारिश। बढ़िया, मैं स्कूल से पहले ही आ गई। एंड गाइस, जो मैंने टी शर्ट मंगाई थी ना, वो एक्चुअली में ओवर साइज नहीं है, तो इस वजह से है ना मम्मा ने बोला कि अच्छी तो है लेकिन इसे रिटर्न कर देनी चाहिए, क्योंकि तुझे ओवर साइज ही चाहिए थी ना, इसलिए। मुझे टी शर्ट बेस्ट लगी, लेकिन यार ओवर साइज के चक्कर में मंगाई थी तो मैंने सोचा रिटर्न कर दूँ। और यहाँ पे कबूतर भी चक्कर काट रहे हैं, और ये देखो पूरा ब्लैक हो रहा है। मस्त कटे, ओ दिन में रात हो गई। मम्मा के रिएक्शन देखो गाइस, और वो देखो चिड़िया भी जा रही है। सभी शाम हो चुकी है और मैं सोकर उठ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ समोसा और साथ में चटनी ग्रीन ग्रीन। टेल मी इन कमेंट्स कि आपको समोसे अच्छे लगते हैं या कचौरी। मेरे को कचौरी अच्छी लगती है, लेकिन अभी समोसा था, मैं समोसा खा रही हूँ। इज़ वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं विदाउट माइक शूट कर रही हूँ, बिकॉज मैं पेटीएम के लिए जा रही हूँ ना, तो मैं माइक लेकर भूल गई लेना। वैसे आज पेटीएम में जाना है, क्योंकि जो UT1 के टेस्ट हुए थे ना, एग्जाम्स हुए थे, तो उनके लिए जाना है। खैर मैथ्स का तो डपोल होने वाला है, लेकिन बाकी सबका अच्छा ही होने वाला है। एंड दिस इज माई लुक। नीचे वाइट शूज़ नहीं पहने मैंने, और मैंने बाल धोए थे ना, तो इस वजह से मैंने सुलझा के क्लचर लगा के ग्लासेस पहन के स्किन केयर करके और थोड़ी बहुत जुल्फे निकाल के चल रही मैं। तो बाकी मैं इस बार है ना 10 बजे जा रही हूँ। खैर 8 से 11 बजे का टाइम था, लेकिन मैं 10 बजे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी 10 बजे ही आती है ना, इसलिए। लेट्स गो। दिस इज माई फेवरेट पोज इन द वर्ल्ड। हवा अच्छी अच्छी चल रही है, इन हरियाली हरियाली पेड़ों को आप देख के मजा ही आ रहा होगा। अभी दिन हो चुका है, एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस टॉप, बिकॉज दिस टॉप इज़ वेरी 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 फजी। ये मेरे इतना ठसराता ना कि मैं अनकंफर्टेबल हो गई इससे, तो मैंने सोचा कि मैं ये ब्लू टॉप डाल देती हूँ, उसके साथ मैंने येलो कलर का स्क्रंची डाल दिया। एंड दिस इज माई लुक। जब भी मैं बाल धोती हूँ ना, तो मैं ज़रूर इस टॉप को पहनती हूँ। सर्दियों में भी पहनती थी, एक्चुअली ये सर्दियों का टॉप है, लेकिन मुझे इसमें गर्मी नहीं लगती, सो आई जस्ट वेयर दैट। एंड जैसे कि आपने देखा, मैं PTM में गई, और आज मेरे 2 डेज़ के व्लॉग थे, तो आज का जो है वो व्लॉग डिपेंडेड, कल का व्लॉग तो जो डिपेंडेंट था वो तो उस पर था लंच पे, क्योंकि लंच कल का बेसिक था। आज का व्लॉग डिपेंडेड है मेकअप पे। मैंने ना ब्लू टॉप मेकअप करने की सोचा है, एंड आई कैन नो व्हाटएवर दैट।
ओके सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि अभी जो हूँ वो मैं आपको अपना फेवरेट मोमेंट ऑफ लिप कॉम्बो शो अप करने वाली हूँ, जो कि मैं हमेशा से अपना जो फेवरेट लिप कॉम्बो रखती हूँ ना वो आपको मैं शो करने वाली हूँ. हाउ टू अप्लाई, हाउ व्हाट टू अप्लाई. आई वांट टू अप्लाई फर्स्ट वैसलीन बट आई डोंट हैव बिकॉज वो कमरे में रखी है और मैं हॉल में हूँ तो वो कमरे का गेट बंद है, इस वजह से. तो मैंने सोचा लेट्स गेट डूइंग विद मिनिमम. ओके तो सबसे पहले तो लिप्स को प्रेप कर लेना है डेली मॉइस्चराइजर के लिए. लिप मॉइस्चराइजर लगाना है आपको. तो अभी शायद गेट खुल सकता है और गेट खुला और गेट खोला तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू डू दैट. ओके माई लिप कॉम्बो इज़ वेरी बेसिकली वेरी इजी एंड वेजी. इसको सब कुछ कर सकते हैं, मतलब इसको सब लोग कर सकते हैं. एंड आई जस्ट ओपन माई हेयर्स. मालूम है गर्मी लगती है ना इसलिए मैं लगा के रखती हूँ, बट आज तो मैंने बाल धोए हैं तो खुले तो रखने ही पड़ेंगे. आई एम स्टार्टिंग विद ADS शेडो पैलेट विच हैव दीज ब्यूटिफुल beautiful four shades and I'm gonna be applied to do. Okay so my prep is already very so let's get started. On my blue color I like to choose the second one, it is peach and light, very light. It's very light now, I like it. On lip balm texture you can apply. It is very content, I like it. देखो शेड कितनी प्यारी लग रही है ना, यहाँ पे मैंने टिपकी हुई थी. मुझे लिपस्टिक्स इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे लिप बाम्स पसंद है. लिप्स को बाउंसी करने के लिए मैं लगाती हूँ. देखो चेहरे पे अलग से ही दिख रहा है कि मेरे नेचुरल लिप्स होंगे, है ना, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये लिप बाम से हुआ है. सो इफ़ यू वॉन्ट कि आपके लिप्स नेचुरल रहें तो उसके लिए बेस्ट है ये, बहुत ज़्यादा बेस्ट है. एंड देन आफ्टर देन आई वॉन्ट टू अप्लाई माई फेवरेट पिंक पाउडर. यू ऑलवेज नो दैट इट्स कॉम्पैक्ट पाउडर बट लिप्स इससे पाउडी रहते हैं. आई लाइक इट. अब इससे ना बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेंगे भाई. मतलब आपने लिप बाम लगा ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको पाउडर भी लगाना है तो नेचुरल लगेंगे. ऐसा लगा ना जैसे कि मेरी नेचुरल लिप्स हैं. फेस तो मेरा ऑलरेडी नेचुरली है अभी भी, देखो डार्क सर्कल्स दाने वगैरह देख के लग रहा हो, लेकिन लिप्स मेरे नेचुरल नहीं है जो कि आपको लग रहे हैं. तो ये लुक आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए गर्ल्स, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है आप सभी के लिए. एंड देन आई अप्लाई द डार्कर शेड ऑफ लिपस्टिक. मतलब पहले आपको पाउडी कर लेना है और देन आपको डार्कर शेड यूज़ करना है. मेरे पास ये रेड शेड है तो मैं इसे अप्लाई करूँगी. एंड मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ नीचे ही करूँगी, क्योंकि हमारे जो ये पार्ट होता है ना ये ज़्यादा लिफ्टेड करता है. तो ये ऐसे अब शायद ही नेचुरल नहीं लगी क्योंकि मैंने इसमें डार्कर शेड मिक्स कर दिया. ये देखो अब नहीं लग रहा नेचुरल, है ना, क्योंकि अब मैंने डार्कर वाली लिपस्टिक ऐड कर दी. एंड माय फिंगर आल्सो जस्ट लाइक दैट एंड माय फोन कवर इज आल्सो लाइक दैट. सो पिंकी पिंकी वेरी डार्कर शेड. अब तो ये पक्का से नेचुरल नहीं लग रहा है, लेकिन इससे पहले जो था ना वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है. एनी वाइट फेस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा. और जो जिनका डार्क फेस होता है उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि उनको डार्क लिपस्टिक ही लगाना अच्छा लगेगा, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है. एंड दिस लिप बाम लिपस्टिक इज ऑल्सो लाइक वर्क ब्लश ऑल्सो. आई एम गोना बी टेल यू फर्स्ट, मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ इसको. जैसे मेरा प्रेप था मैंने आपको बताया, मैंने उसमें से थोड़ी सी लिप बाम ली एंड आई जस्ट अप्लाइंग ऑन माई चिक्स. आई जस्ट पाउड दैट, ठीक है, इसे अच्छे से पाउड करना है. मैं सब कुछ कैमरे में करके पता है, मुझे पता नहीं है, मेरे पास कोई शीशा वीशा नहीं है. आई रियली डोंट नो व्हाट्स दैट. ये ब्लश लगाया कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने. पहली बात तो हर एक वीडियो क्रिएटर के साथ यही होता होगा कि वो एक हाथ से शूट कर रहा होता है ना, तो उससे पक्का से ये गलती होती ही होती है. एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग विद माई फिंगर, इट्स बेस्ट फॉर यू गाइज. देखो पाउड कर दिया. ओके माय बिफोर चिक विच इज सो नेचुरल एंड दिस इज फेक नेचुरल. अब देखो लग रहा है ना ब्लश है. mm-hmm.
अच्छा लगा आपको? अगर ये अच्छा लगा तो इसे दूसरे गर्ल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मुझे ये वॉशअप करना पड़ेगा। एंड वाई वॉशअप? बिकॉज इट्स वेरी बैड फॉर यू, मेकअप इज़ वेरी 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 बैड गाइज। मेकअप बहुत बेकार होता है, मेकअप करना ही नहीं चाहिए। आप जैसे हो ना आप वैसे ही ठीक हो, लेकिन मैं मेकअप जो करती हूँ ना वो मेकअप इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप पसंद है यार। क्या बोल रही हूँ मैं? आई जस्ट रब इट विद माई स्क्रंची। मैंने इसको अपने स्क्रंची से क्लीन किया है। आई नो दैट पाउडर तो हट ही गया होगा बट ब्लश नहीं हटा। अब ज़्यादा नेचुरल लग रहा है क्या? आई डोंट नो व्हाट्स द फिनिशिंग हियर। वाओ इट्स वर्क यार, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब यार ये देखो, ये अलग से हैं और ये अलग से हैं, ये कुछ ज़्यादा ही पाउड नहीं कर रहा। मतलब मेरी पिंकी पिंकी गाल लग रहे हैं। आई कुडंट वॉच दिस। मैं इसको नहीं धो रही हूँ क्योंकि है ना ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्लम्पी और पाउडी लग रहा है, तो मुझे ये सही लग रहा है तो सही है। वैसे मैं बात कर रही थी लिप कॉम्बो पे और मैं आ गई चीक पे, तो ये मेरे से थोड़ा उल्टा हो गया। लेट्स अप्लाई दिस लिप ग्लॉस। इसके ऊपर का टेडी जो है वो टूट के गिर चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उसे संभाल रखा और मैं ऐसे लगा दी कि मुझे जोर आता है। आई डोंट नो व्हाई हुडा ब्यूटी मेक्स द ब्यूटीफुल कलर्स लिप ग्लॉसेस। मतलब मुझे हुडा ब्यूटी के ही लिप ग्लॉस बचपन से पसंद है। एंड यू कैन सी व्हाट्स द ग्लो हियर। लेट्स क्लीन दिस स्पॉट। ये जो एक्स्ट्रा वाइज पार्ट होता है ना ये भी हमको क्लीन कर लेना है एंड देन इट इज डन। आई होप इट्स नेचुरल एंड वेरी फिनिशिंग। आई एम गिविंग यू सम प्रेप ऑफ दिस ऑल्सो। इट्स वेरी बेस्ट। टेल मी इन कमेंट्स डू यू लाइक इट और नॉट। एंड मेरे को है ना ये हमेशा से पसंद है, हमेशा से। मतलब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ आपको, नीचे भी प्लम्प कर जाता है ये देखो। यहाँ से क्लीन करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भाई। थैंक्स सो मच, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मिलते चलिए नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद।